हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जो भी फ्रेंड्स अभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि ऑप्शन सेलिंग में बड़ी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन सेलिंग में कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इसी में वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलग अलग स्ट्रेटेजी में कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और कितनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ये ऑप्स्ट्रा की साइट है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स। और यहाँ पे इन्होंने बुलिश, बियरिश और नॉन डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी दी हुई है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है। तो आप ये स्ट्रेटजी पहले तो सीख लीजिए कौन सी स्ट्रेटजी क्या होती है, ताकि जब भी आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय करें तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी स्ट्राइक बाई करनी है, कौन सी स्ट्राइक सेल करनी है। तो मैं आपको आज आपको स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल और स्प्रेड, तीन जो मेजर स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसमें कितना मार्जिन लगता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दो स्ट्रेडल दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल होता है, शॉर्ट स्ट्रेडल होता है। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या करते हैं, हम एट द मनी की कॉल और पुट को बाई करते हैं दोनों स्ट्राइक को, और शॉर्ट स्ट्रेडल में दोनों स्ट्राइक को सेल करते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन स्ट्रेडल की। सिमिलर स्ट्रेंगल में होता है लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल। लॉन्ग में हम कॉल और पुट की ओटीएम स्ट्राइक को बाई करते हैं, और शॉर्ट स्ट्रेंगल में ओटीएम स्ट्राइक को सेल करते हैं दोनों को। अभी मैं इनका मार्जिन आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं आपको जीरोदा की साइट्स पे लाया हूँ। यहाँ पे एक बास्केट का जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी बना के अपनी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं। मैं पहले आपको स्ट्रेडल की पोजीशन दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको कितना मार्जिन लगने वाला है। तो अभी बैंक निफ्टी चल रही है 46,200 पे, तो हम एट द मनी की जो भी स्ट्राइक है इसको सेल करते हैं, 46,200 पी इसको भी हम सेल कर देते हैं। तो ये देखिए दोनों एट द मनी की स्ट्राइक है, 46,200 कॉल, 46,200 पुट। तो इन दोनों को कम्बिनेशन में जब हम सेल करते हैं तो हमारा जो टोटल मार्जिन लगने वाला है वो 1 लाख रुपीज का लगने वाला है, अगर हम इसको नेकेड सेल करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रकम, अगर हम इसको बाई करेंगे तो ये मार्जिन हमारा 5 से 10 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा। तो अब बात आती है इसका मार्जिन, जो 1 लाख रुपए हमें एक लोट के लिए लगने वाला है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, जितना भी हम दोनों स्ट्राइक को मिला के हमारे को प्रीमियम मिला है तो वो स्ट्राइक इसके अंदर प्लस करके वो स्ट्राइक हमें बाई कर लेनी है। तो अभी करना क्या है, देखिए अब इसमें 200 और 200 अप्रोक्स 400 का हमें प्रीमियम मिला है, तो अब हम इसमें प्लस करके वो स्ट्राइक बाई कर लेंगे। तो ये देखिए अभी 46,200 क्या था, हमने 46,600 की स्ट्राइक को बाई कर लेंगे, और सिमिलर इसमें 400 कम करके 45,800 की स्ट्राइक को हमने बाई कर लिया। तो अब ये मार्जिन हमारा देखिए कितना कम हो गया, 1 लाख से ओनली 30,000 हमारा मार्जिन रह गया, तो अप्रोक्स हमारा 30% मार्जिन कम हो गया। अब ये मार्जिन आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला कि आपने पहले सेल कर दिया फिर बाई किया तो आपको मार्जिन मिलेगा, तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी, माइंड में रखनी है कि पहले अपने को जो भी हमारी बाई है वो पहले बाई करना है और फिर हमारे को अपनी सेल पोजीशन इनिशिएट करनी है। तो पहले अपने को ये ऊपर बाई रखा है फिर नीचे हमने सेल किया, तो ये अभी मार्जिन की रिक्वायरमेंट हमारी देखिए कम होगी, 35,000 पर लोट हमारा स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते हैं। और अब इससे होगा क्या, इससे दो बेनिफिट हो गए आपके। फर्स्ट तो आपका एक तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, और जो दूसरा जो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क है, वो अनलिमिटेड रिस्क भी अभी आपका कम हो गया, क्योंकि हमने अभी जो इसकी बाई कर ली है ओटीएम, इसकी हैज हमने बाई करी है, तो उससे हमारा रिस्क एक लिमिटेड रिस्क हो गया है। और अब ये स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेडल से आयरन फ्लाई बन गई है, हम जब इस पोजीशन को क्रिएट करते हैं इस तरीके से, उसकी जो बाई अपनी हेज बाई करते हैं तो ये इसको स्ट्रेडल नहीं बोलते, फिर हम इसको आयरन फ्लाई बोल देते हैं। तो जो भी नए ट्रेडर हैं तो उनको मैं तो यही सजेशन दूंगा, आप नेकेड सेलिंग तो आपको करना ही नहीं है। बहुत सारे लोग आपको सजेशन देंगे कि आप 1,000 पॉइंट दूर का बाई कर लीजिए, 2,000 पॉइंट दूर का बाई कर लीजिए, उससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपका मार्जिन कम हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड मार्जिन है वो कम हो जाएगा, मगर आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। तो उस चीज़ में मत पड़िए, जब तक आप फुल ट्रेंड या एक्सपर्ट ना हो जाएं तब तक आप ऐसे काम मत करिए।
अगर आप नए हैं, नए ट्रेडर हैं, तो अपनी पोजीशन को प्रॉपरली हेज करके ही आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो सिमिलर मैं आपको अभी निफ्टी स्ट्रैडल भी दिखा देता हूँ। निफ्टी का स्ट्रैडल भी दिखा देता हूँ। तो निफ्टी जो हमारा चल रहा है 20,200 पे चल रहा है, तो हमें 20,200 की स्ट्राइक को सेल करेंगे। तो निफ्टी के स्ट्रैडल में जो हमारे को मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो लगेगी 1,30,000 हमारे को मार्जिन लगने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी हमें इसमें करना क्या है, वही हमें सेम करना है, जितना भी टोटल मार्जिन है वो स्ट्राइक हमें बाई कर लेनी है, या उससे एक स्ट्राइक दूर की बाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे को रिस्क नहीं रखना चाहिए। तो अभी इसमें देखिए 90 और 80 अप्रोक्स 170 पॉइंट हमें मिले हैं, तो 170 मतलब 200, तो हम इसमें 200 पॉइंट दूर का ही बाई कर सकते हैं। आप इससे कम भी रख सकते हैं। तो सिमिलरली हमें बाई पहले करना है, सेल बाद में करना है। तो अभी ये देखिए हमारा मार्जिन 50,000 हो रह गया, जो हमारा 1,30,000 था, तो वो ये अप्रोक्स 2.5 टाइम हमारा मार्जिन कम हो गया है। तो सिमिलर तरीके से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना मार्जिन कम कर सकते हैं, इससे आपका रिस्क भी कम हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो मैं अभी आपको स्ट्रेंगल भी दिखा देता हूँ, स्ट्रेंगल के अंदर आपको कितना मार्जिन लगने वाला है। तो स्ट्रेंगल जैसे मैंने बताया था आपको, ओटीएम स्ट्राइक हमारे को सेल करनी रहती है, तो मैं अभी एक ओटीएम स्ट्राइक आपको सेल करता हूँ। तो ये देखिए बैंक निफ्टी में जो हमारा स्ट्रेंगल के अंदर जो मार्जिन लगने वाला है वो 84,000 हमारे को लगने वाला है। तो अभी सिमिलर इसको भी हमारे को, इसका मार्जिन हमारे को कम करना है, तो वही अपने को इसकी दूर की पोजीशन को ओटीएम को बाई कर लेना है। तो हमने 47,500 का किया है, तो 46,000 का अगर हम बाई करते हैं, तो सिमिलर हम इसमें 48,000 का बाई कर लेते हैं। 44,500 का, तो ये बाई पोजीशन हम ऊपर लेके जाते हैं। तो ये देखिए सेम तरीके से हमने इसकी ओटीएम को, इसकी हेज को बाई किया है, तो वही हमारा मार्जिन वही 35,000 के अप्रोक्स आ गया है, जितना हमारे को स्ट्रेडल में मिला था। तो आप सेम तरीके से इसमें मार्जिन कम कर सकते हैं, यही सब में तरीका है। तो आई थिंक जो भी ऑप्शन सेलिंग की कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी थी, वो इस वीडियो को देख के आपकी सोल्व हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।